आहेत, कारण की त्यांचं म्हणणं जर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारलेली आणि पुनर्रचना करण्यासंदर्भामध्ये प्रदेश पातळीवर निर्णय घ्यायचा असेल तर आपण जरूर घ्या, कारण की आम्ही सुद्धा ती जबाबदारी स्वीकारतो अशा स्वरूपाचे पत्र मला आज नांदेड जिल्ह्यातील लोकांनी आज माझ्याकडे खरगे साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये देण्यात आलेलं आहे. ठीक आहे, आता त्या बाबतीत विचार करू काय करायचं. विचार केला जातोय का, कारण की काल प्रकाश आंबेडकरांनी स्पष्ट भूमिका घेतली पुण्यामध्ये की 2028 आम्ही आज आमच्या अनेक जिल्ह्याच्या लोकांनी सांगितलंय की वंचित आघाडीशी त्या ठिकाणी आघाडी करण्याबद्दल हरकत नाही, केली पाहिजे, असं असं स्वरूपात सूरसुद्धा बैठकीत निघालेला. अर्थात हा निर्णय जो घ्यायचा आहे तो प्रकाश आंबेडकरांना त्यांना घ्यावा लागेल निर्णय. आमच्याकडच्या बऱ्याचशा अध्यक्षांनी त्या बाबतीमध्ये अनुकूलता दर्शवलेली आहे, तर शेवटी निर्णय प्रकाश आंबेडकरांना घ्यावा लागेल. आने वाले विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमारी पूर्व तैयारी चल रही है कि किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, कहाँ से लड़ना चाहिए. हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रमुख पदाधिकारी है, नेतागण है, MLAs है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, सबसे हम सलाह मशवरा कर रहे हैं. उनसे पूछताछ करने के बाद में चित्र अधिक स्पष्ट हो जाएगा और आने वाले चुनाव के लिए कितनी सीटों पर कांग्रेस ने लड़ने की तैयारी होनी चाहिए और किन किन लोगों को हमको साथ में लेना है, साथ में उनके साथ में हमको ये करना है, गठबंधन करना है, ये चर्चा हमारी जारी है. ये रिपोर्ट आने के बाद ही फिर हम लोग हमारे अन्य पार्टियों के साथ बात करेंगे. जब कांग्रेस में थे तब कभी उन्होंने इतनी बड़ी चुनौती कभी दी ऐसा मैंने सुना नहीं था. इतना जल्दी परिवर्तन कैसा हो गया मुझे पता नहीं है, पर इन्होंने कई सरकार को चुनौती दी थी, सरकार के कई घोटाले उन्हें सामने लाए थे. मैं समझता हूँ कि वहाँ जाने के बाद में शायद उन घोटालों के बारे में वो चर्चा मुख्यमंत्री से करें. और मैं समझता हूँ कि सवाल ये है कि पार्टी बदलने के बाद आदमी का रुख कैसे बदल जाता है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे. देखिए, बीजेपी से प्रयास लोगों को तोड़ने का, चाहे वो कांग्रेस से हो, NCP से हो, ये लगातार जारी है. और मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के कोई विधायक उनके पास जाएंगे, ऐसा मुझे लगता तो नहीं. अशोक जी, दो सवाल था. एक, वंचित बहुजन आघाड़ी एक बहुत बड़ा फैक्टर वोटिंग काटने में सामने आया है, क्या उसको विधानसभा चुनाव में आप साथ में लेकर लड़ने वाले हैं? आज हमारे कई अध्यक्षों ने बात की है कि उनसे हम लोग गठबंधन करें. हमें भी कोई इतराज नहीं, हम भी चाहते हैं कि हो सके. अल्टीमेटली फैसला तो उनको करना है कि वो गठबंधन करना चाहते या नहीं चाहते. हमारी तरफ से पहले भी गठबंधन की हमारी तैयारी थी, आज भी है. फैसला वो करे वो क्या चाहते. हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है. एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे. प्रोपरेटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग, अलबरकत होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड दिगलू नाका, नांदेड़. नानेवड़ न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें. बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है.